नाजरीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एंटीक्विटी एक्ट के बाद मैंने की थी अजय सिद्दीकी साहब, अब आपके पास दो सवाल हैं। एंटीक्विटी एक्ट वॉयलेट हो गया, सजा किसको मिलेगी जुर्माना को अदा करेगा? दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, यह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कॉल करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कहते थे हम ब्यूरोक्रेसी को सियासत से आजाद करेंगे, तो यही ब्यूरोक्रेसी उनका हुक्म मान लेती है, जवाब दीजिए। अच्छा, पहली जो बात है सेक्शन 24 है एंटीक्विटी एक्ट का, 6 महीने सजा और जुर्माना है। इसका स्पेशल प्राइमेसी प्रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 14 है जिसमें 1 साल और जुर्माना है, तो ये तो साफ है। इसमें तो बहुत बड़े बड़े आएंगे जब ये मामला चलेगा तो अंदराजे मुकदमा की दरखास्त में। अब ये यकीनन देखना ये है कि एंटीक्विटी DGR के और जी अपने तक ही लेते हैं या हम लोग इसके मुकदमे के हवाले से। एक जो बात पहले वाली जो बात है ना वो करना बड़ा जरूरी है। देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि उस्मान मुद्दार साहब, हमें, मैं 18 साल से पब्लिक इंटरेस्ट कर रहा हूँ, आला अदालतों के फैसले जितने भी आए हैं ना, आप पूरी ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी से ले ले, जितनी तेजी से अमल दरामद इन्होंने किया है, इनके मिनिस्टर्स वगैरह अदालतों में सारे पेश होके और उन्होंने फैसिलिटेट किया है, तभी तो आपने देख ला ना एनक्रोचमेंट खत्म होगी, माल रोड की शक्ल बन गई, बिल्कुल उतर गए। ये देखिए, ये मानना पड़ेगा, ये शहबाज शरीफ ने आदत नहीं थी डाली, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मूव है। यानी आप कम से कम आप मौका देते हैं चीजों को सुधारने का। दूसरी जहां तक बात है, ये शहबाज शरीफ की आदत थी कि वो बैठ के अपनी मर्जी जो मर्जी फैसले कर दे, रातों रात अमल हो जाए, अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी ले आए। इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी है, एंड आई नो हिम, मैं उन्हें जानता हूं, चीफ सेक्रेटरी की हद तक ये मामला इसलिए नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, गवर्नर जो पोस्ट है ना ये वफाक का है, इसका सूबे से कंसर्न नहीं है, नहीं बड़े बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये सारा मामला जो कि गवर्नर रिप्रेजेंट द फेडरेशन, तो यहाँ बैठ के अगर देखा जाए ये एक सवाल को गलता बात है कि पंजाब के गए थे ना वजीर आजम से मुलाकात करने के लिए, तो शायद ये समझाने गए होंगे कानून की वायलेशन हो जाएगी। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, देखिए बुनियादी तौर पर ये सवाल जो कि डॉक्यूमेंट्स अभी सामने आने हैं, डिसीजन किसने किया, हम इसको देखिए हमें कम से कम मार्जिन देना है, मार्जिन देते हुए मैं किसी पर लाइबिलिटी फिक्स मैं नहीं समझता करनी, लेकिन मैं जो बातें अच्छी है इस हवाले से, देखिए उन्होंने फौरन एक बड़ा मजा आया, जैसे ही फैसला हुआ फौरन काम रोक दिया, बल्कि मैंने जैसे ही ये कहा कि मैं चैलेंज करने लगा उन्होंने वही काम रोक दिया था, ये मानना पड़ेगा। अब ठीक है, मैकेनिक्स अपनी जगह पर मौजूद है, ये सारे, मैं ऐसा 18 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये कंप्लायंस गवर्नमेंट है और ये अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान, ये यू टर्न का इशू नहीं है, मेरा ख्याल से यहाँ पे आगे होते हैं मशीनों की और कानूनी माहिरीन की कमी है। जमशेद शीमा साहब, मामला थोड़े से बिखर गए हैं, आपके पास 2 मिनट है, जरा समेट के एंडिंग कर दीजिए। देखें, इसमें बिखरने वाली कोई बात ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए हर चीज बंदा नहीं जानता होता, और कानून में जितनी पेचीदगियां, सच्ची बात है मेरे लिए नई बात है, आज जो बात आई सामने मेरे लिए नई बात है, और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं सारा दिन मैं सियासत करता हूँ, नहीं पता होता। सो नीयत खराब नहीं है, अच्छा अमल उसमें करना है। बाकी 600 मैं कहना ये चाह रहा हूँ, 600 एकड़ के घर में हमने नहीं रहना, ये अलामत हैं इस्तेसाल की, ये अलामतें हैं गुलामी की, ये अलामतें हैं यहाँ पे नाइंसाफी की। कोई 80 कनाल के घर में रह रहा है, 150 कनाल के घर में रह रहा है, यूनिवर्सिटी की होगी, आर्ट्स की होगी, कौन सी होगी, इसमें कई बननी है, 600 एकड़ है, इसमें सारी ब्यूरोक्रेसी के घर बन सकते हैं। GOR 1 को नहीं रहना चाहिए, GOR 1 को नहीं रहना चाहिए, यहाँ हाई राइज बननी चाहिए, यहाँ टावर बनने चाहिए, उसमें सारे लोग पूरे आए, ये 12-12 कनाल के घर में क्यों रह रहे हैं, 16-16 कनाल के घर में क्यों रह रहे हैं, गवर्नर उसमें 600 कनाल के घर में कौन सा रहेगा, ये कौन सा विरसा जी आपका, बेसिकली ये तो अलामत है, ये अलामत है इस्तेसाल की, गुलामी की। हमने ये पहला कदम है, दीवार गिराना पहला कदम है इसको चेंज करने का, हमने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था दीवारें गिराने का, वो प्रोसेस पूरा करके गिरा देंगे और इंशाल्लाह इसको चेंज करना है, यूनिवर्सिटी में करें, दूसरी चीजों में करें, घर बनाए, ये ओवरऑल पाकिस्तानियों के काम आएगा, मरकज है शहर का, 600 एकड़, कई सौ बिलियन की प्रॉपर्टी है, इसको हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, यही हमारी गवर्नमेंट का मैंडेट है, यही हमारा मंशूर है, इसको हमने पूरा करना ही करना है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर, कानून के तरीके से करना है, कानून के तरीके से करेंगे, प्रोसेस पूरा करेंगे, जो अगर सही सब कह रहे हैं, जो कानून कहता है, जो अदालत कहती है, काबीना को लूप में ले लेंगे, डेफिनेटली वही काम है ना, बनता ही है। साहब की आपकी, मैं बाखुदा, यू आर ए वेरी सीजन पॉलिटिशियन, और ये अच्छी बात है, बड़ी साफ और सच बात करनी चाहिए, यहाँ बैठ के अपने सियासी लीडर्स जितने भी है ना, वजीर अला से मिले, उन सबको देखिए कानून बाजी है, आपको अगर इजाजत दे दे ना, DGR के और इजाजत दे दे, कमेटी आपको इजाजत
اجازت دے دے جو بھی ہے, لیکن یہاں ایک آپ کو سب سے بڑا کام ہے, آپ کو پالیسی ڈیسیجن لینا ہے, آپ کو پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر یہ معاملات رکھنے ہیں. یہ کہ چونکہ آپ دیکھیں جو آپ نامی کلیچر چینج کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قانون کی پروپر اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین تمام پہلو اس مدے سے متعلق آپ نے آج پروگرام ٹاک سٹوڈی میں جانے ہیں. تمام مہمانوں کا تہے دل سے شکریہ. اپنا خیال رکھیں ناظرین, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ آباد.